तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 13 सितंबर 2019 शुक्रवार के दिन का। आज के राशिफल के अनुसार आज 12 में से 8 राशि वालों के लिए अति शुभ योग बन रहे हैं। अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा सामान्य रहेगा। तो आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की श्राद्ध की पूर्णिमा तिथि है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की आराधना करने का खास दिन होता है। देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता से ही व्यक्ति को सुख सौभाग्य व कार्य में यश व सम्मान की प्राप्ति होती है। तो देवी लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न होती है उसे सभी प्रकार के सुख साधन व धन सहज में मिल जाते हैं। इसके अलावा जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है उसका जीवन संघर्षमय अभावग्रस्त व धन की कमी में व्यतीत होता है। धन की स्थिरता उसके पास कभी नहीं हो पाती है और आय से अधिक उसका खर्च हो जाता है। वह अनावश्यक खर्च भी उसके द्वारा होता है जिससे वह धन संचय यानी धन इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो धन की स्थिरता के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कुछ सरल से उपाय हैं जिन्हें यदि आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और धन संपदा की आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी। तो वे उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहला उपाय इसमें से है तो माता लक्ष्मी अपनी आराधना से जितना प्रसन्न नहीं होती है उससे अधिक भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाती है। तो धन का स्थायित्व यदि आपको रखना है तो प्रति शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु जी का अभिषेक आपको श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी, आपकी कामनाएँ शीघ्र पूरी होती होगी। दूसरा उपाय इस प्रकार से है कि शुक्रवार के दिन एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी रखें, थोड़ी सी केसर रखें और एक चांदी के सिक्के को साथ में बांध करके अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर आपको रखना चाहिए। तो इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी, धन का स्थायित्व इससे बनेगा। तीसरा सरल उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण, घर का उत्तर पूर्व कोण या अपना पूजा स्थल पर शुद्ध घी का दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक में रुई का प्रयोग आप नहीं करें, उसके स्थान पर लाल सूत का धागा या नाड़ा आपको लेना चाहिए। दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल देवें तो इसका शुभ प्रभाव आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा। चौथा सरल सा उपाय यह है, इस दिन गरीबों को सफ़ेद वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन किसी भी अपाहिज गरीब और गाय को भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो यह थे वे सरल से उपाय माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के। इनमें से कोई भी उपाय आप अपना सकते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहेगा और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। तो आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:04 पर, सूर्यास्त होगा 6:29 पर। आज दिन की शुरुआत सदभिषा नक्षत्र से होगी और 7:58 तक यह नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वा भाद्र पद नक्षत्र चालू हो जाएगा। आज धरती एवं शूल नाम के दो शुभ योग रहेंगे और आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेगा। आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा दिन के 11:52 से तो दिन के 12:41 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ या नया काम आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए यह श्रेष्ठ समय होता है। तो आज दुष्ट मुहूर्त रहेगा अशुभ समय, प्रातःकाल 8:33 से आरंभ होकर के 12:41 तक चलेगा। पुनः 9:23 से आरंभ होकर के तो दिन के 1:31 तक रहेगा। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। आज राहु काल रहेगा प्रातःकाल 10:43 से तो 12:46 तक रहेगा। इस समय में शुभ या नया काम आप नहीं करें तो बेहतर होगा।
और आज दिशा शूल रहेगा पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किसी भी शुभ या नया काम की शुरुआत आप नहीं करें। पश्चिम दिशा की यात्रा भी आप नहीं करें। यदि यात्रा करना आपको अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता का यथाशक्ति नाम उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं। आज चौघड़िया के अनुसार शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। प्रातःकाल चर का चौघड़िया आरंभ होगा 6:04 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 7:37 तक रहेगा। प्रातःकाल लाभ का चौघड़िया आरंभ होगा 7:37 से तो प्रातः 9:10 तक रहेगा। और प्रातःकाल अमृत का चौघड़िया आरंभ होगा 9:10 से तो प्रातः 10:43 तक रहेगा। और दोपहर में शुभ का चौघड़िया आरंभ होगा 12:16 से तो दिन के 1:50 तक रहेगा। और सायंकाल में चर का चौघड़िया आरंभ होगा 4:56 से तो शाम 6:29 तक रहेगा। तो चौघड़िया के अनुसार इन शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ या नया काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की खरीदी या बिक्री का काम आप कर सकते हैं जिसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज शुभ ग्रह योगों के प्रभाव के कारण 12 में से 8 राशि वालों को विशेष लाभ व उपलब्धि के योग बन रहे हैं। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य आज रहेगा। तो आप जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपका कुछ उपाय भी हम बताएंगे, सरल सा उपाय कि आज जिससे आपको धन धान्य की समृद्धि बढ़े, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त हो। जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं। मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि इस समय में अर्थ लाभ प्राप्ति के नए मार्ग आपको मिल पाएंगे और कोई महत्वपूर्ण कार्य सफल होने की संभावना आज आपकी अधिक हो सकती है। यदि आप किसी कार्य को लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह इस समय आपको सफलता प्राप्त करवा सकता है। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। अनावश्यक तनाव के कारण कार्य क्षेत्र आपका प्रभावित रहेगा, इसलिए मन को एकाग्रचित्त करके किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। शत्रुओं पर हावी रहने वाले आप रहेंगे आज। किसी भी कार्य को अपने तरीके से करने में आप आज सफल हो सकेंगे, परंतु अनावश्यक किसी तरह के विवाद या झगड़े में आप नहीं पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो परिवार में सामंजस्य आज वैसे बना रहेगा, फिर भी आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं तो सभी का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपकी लाइफ काफ़ी उत्तम रहेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आज सॉफ्टवेयर उद्योग से जो जुड़े लोग हैं उन लोगों को साहस से अच्छा समय रहेगा, साहस से अच्छा काम मिल जाएगा और काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। किसी और पर ज़्यादा विश्वास करने के बजाय अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर दें, अपने दिमाग का प्रयोग करें, विवेक से काम करें तो आज सफलता आपको व्यवसाय में मिल जाएगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो इस समय आपका स्वास्थ्य वैसे सामान्य रहेगा, किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको नहीं रहेगी। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नारायण जी को केसर या हल्दी के जल से स्नान करवाएं, ऋतु फल का भोग लगाएं, यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का वहां बैठ करके जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। तो वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना आज अधिक रहेगी। धन अचल संपत्ति की दृष्टि से स्थितियां आज आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी तथा धन लाभ प्राप्ति का उद्देश्य आपका पूरा हो सकेगा। आपके सगे संबंधियों से सहयोग व समर्थन प्राप्त होने की संभावना आज आपको अधिक रहेगी। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है जिससे आपकी मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती है और अपने जनों से विशेष विरोध का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आज अपने व्यवहार में थोड़ी सी विनम्रता आप बनाए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आज परिवार के प्रति अपना त्याग समर्पण का भाव रखेंगे तो इससे परिवार में माहौल आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, आपकी लाइफ भी उत्तम रहेगी। आज व्यवसाय की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि धन अचल संपत्ति प्राप्ति के योग आपके लिए बेहतर हैं, परंतु प्रॉपर्टी से संबंधित किसी तरह के विवादों से दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करें अन्यथा परेशानी आपको ज़्यादा खड़ी हो सकती है। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से सतर्क आप रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है।
शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी को गुलाब के पुष्प की माला और गुलाब का इत्र अर्पण करें, मिठाई का भोग लगाएं, यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि किसी तरह के नए कार्य व्यवसाय को बेहतर दिशा देने का प्रयत्न आप करते रहें, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। अपनी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए किसी भी कार्य को करना आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि माता पिता से संबंध आपके बेहतर रहेंगे, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं अधिक हो सकती है तथा घर परिवार में अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो स्थिति को देखते हुए किसी भी कार्य को करना आज आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो फिजूल की बातों में आज जीवन साथी पर संदेह करना आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए जीवन साथी पर आज पूर्ण विश्वास कायम रखें तो बेहतर रहेगा, इससे आपकी लाइफ पर अच्छा असर पड़ेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो नए कार्य को शुरू करने के लिए यह सही समय श्रेष्ठ समय है। हालांकि पूरे होमवर्क के साथ नए साहस में आप कदम बढ़ाइए, ऐसा आपके इष्ट देव की कृपा आपके लिए बता रही है, अन्यथा दूसरे के कहे पर आपको नुकसान हो सकता है। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य पर आज जोर दें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखें, आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। पीली मिठाई का भोग अर्पण करें, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, यथाशक्ति लक्ष्मी नारायण जी के नाम मंत्रों का वहां बैठ करके जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। तो कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। यदि आप शासकीय नौकरी आदि करते हैं तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश आप कर सकते हैं या किसी तरह का कोई अच्छा निवेश का जरिया अपना सकते हैं, जिससे आर्थिक दृष्टि से बेहतर आपका दिन रहेगा। इस समय भाग्य का साथ आपको मिल पाएगा तथा घर परिवार वालों का पूर्ण समर्थन व सहयोग आपको मिल सकेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बनाए रखने का प्रयत्न अपना जारी रखें, जिससे आपके कामकाज के क्षेत्र पर कोई बुरा असर नहीं पड़े, क्योंकि राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहा है जो पारिवारिक तनाव उत्पन्न कर सकता है तथा भूमि भवन प्रॉपर्टी इत्यादि की सुख सुविधा प्राप्ति में बाधाएं आपको उत्पन्न कर सकता है। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ घूमना फिरना आज आपके लिए बेहतर रहेगा, इससे आपके संबंध में बेहतरी आएगी, संबंध आपके मजबूत रहेंगे और एक दूसरे पर विश्वास करना आज अति आवश्यक रहेगा, इससे भी आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आज कैलकुलेटिव रिस्क आपके फायदे में आज रह सकता है, क्योंकि आपके सितारे आपके पक्ष में आज रहेंगे। कैलकुलेशन करके अपने जीवन का नज़रिया आप बदल सकते हैं। नौकरी करने वाले प्रमोशन की उम्मीद आज कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए विशेष सफलदायक हो सकता है। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आज आपकी चिंताएँ बढ़ सकती है, मानसिक थकान और तनाव आपको बढ़ सकता है, इसलिए तनाव आज बिल्कुल हावी नहीं होने दें, इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके देव मंदिर में अनाज व ऋतु फल का दान करें, यथाशक्ति लक्ष्मी नारायण जी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज खास करके जीवन साथी तथा ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होने की संभावना अधिक रहेगी। इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों से अधिक लाभ प्राप्त होने की स्थिति आज आपके लिए बेहतर रहेगी। आज आपको आय के नए स्रोत भी प्राप्त हो सकेंगे। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं
कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित हर मामले में सोच समझ करके चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा इसको लेकर कुछ वाद विवाद की संभावना अधिक रहेगी। आपको अचानक से किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, ऐसे भी योग आज बन रहे हैं। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो संबंधों को लेकर स्थितियाँ आज अनुकूल रहेगी। आज अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण का भाव रखें, उनको महत्व दें तो आपकी लाइफ काफ़ी उत्तम रहेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो अगर किसी कार्य क्षेत्र को पूरा करने का मन है, धन की कमी महसूस कर रहे हैं तो इस समय आप उसके लिए अपनी ऊर्जा प्रयोग में कर सकते हैं। आप जितना प्रयत्न आज करेंगे उतनी ही अधिक सफलता आपको मिल पाएगी। व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में उन्नति मिलेगी, इससे आपको लाभ होगा और आपके अपने जो साझेदार से भी संबंध बेहतर हो जाएंगे। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, तो यह समय आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का रहेगा। किसी प्रकार का तनाव आप नहीं लें और सकारात्मक रवैया रखें तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें और पंचमेवा का भोग लगा करके यथाशक्ति लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि परिवार को लेकर परेशानियां दूर होने की संभावना आज अधिक रहेगी। आपसी सामंजस्य तथा तालमेल से हर तरह के समस्याओं से मुक्ति आप पा सकेंगे। इस समय भाग्य का साथ आपको मिल पाएगा और आपको अपने कामकाज के क्षेत्र में अच्छी सफलताएँ हासिल हो सकेगी। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास आप नहीं करें, साहस और उत्साह से किए गए कार्यों में अच्छा लाभ प्राप्त होने के अवसर आज आपके लिए बन रहे हैं। यदि आप इस समय में किसी भी कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं तो आपको अच्छी सफलता उसमें मिल पाएगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो किसी महत्वपूर्ण कार्य पर विचार आप कर सकते हैं अपने जीवन साथी से तथा एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हुए अपने कामकाज के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे, जिससे लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो यदि आप नौकरी आदि बदलने का विचार कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र बदलने का विचार कर रहे हैं तो चंद्रमा के नवम भाव में गोचर के दौरान यह बदलाव आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। इस समय आप जिस भी कार्य को दिल से करेंगे उस प्रत्येक कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, परंतु लगन से अपने कार्य को आप करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य वैसे आपका ठीक ठाक रहेगा, पुराने रोग दर्द का शमन होगा। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहे। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात देवी लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जला करके लक्ष्मी जी को अनार का फल अर्पण करें और यथाशक्ति लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि बाहर की यात्रा तथा दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां आज अनुकूल रहने वाली है। यदि आप बाहर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सफलता उसमें अवश्य मिल पाएगी और यदि आप यह यात्रा व्यावसायिक दृष्टि से करना चाहते हैं तो भी उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होने से आपके लिए स्थिति आज काफ़ी बेहतर रहेगी। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आपको अपने आप पर विश्वास कम थोड़ा सा हो सकता है तथा दूसरों की बातों पर विश्वास अधिक हो सकता है, इसलिए आपका काम ज़्यादा खराब इससे हो सकता है। ऐसे में स्वयं से निर्णय लेने का प्रयत्न करें, स्वयं अपने विवेक से जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें ही आपको सफलता मिल पाएगी तथा जिस किसी भी कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिल पाएगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियाँ थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, आपसी वैचारिक मतभेद होने के कारण एक दूसरे से दूर होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए परिवार में विनम्र स्वभाव से आप तालमेल बिठाने का प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो यदि आप प्रॉपर्टी आदि का कोई लोन
आदि लेना चाहते हैं तो इस समय आप वह काम नहीं करें, वरना उसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपका यदि व्यापार है तो व्यापार में आज आपको मुनाफा मिल सकेगा। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे आपका स्वयं का स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाएं, शुद्ध घी का दीपक जला करके लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाएं, यथाशक्ति मिठाई का भोग लगा करके उनके नाम मंत्रों का जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वालों को शुभ परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं कि घर गृहस्थी के साथ साथ आप अपने कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। संतान पक्ष को लेकर समस्याएं कम होगी। संतान प्राप्ति हो या संतान की पढ़ाई लिखाई इत्यादि को लेकर स्थितियां आज आपके लिए वैसे अनुकूल रहने वाली है। कुछ नया करने का अवसर आपको मिल सकेगा या किसी तरह के शुभ कार्य को करने का मौका आज आपके हाथ में आ सकता है, इसलिए किसी भी अवसर को अपने हाथ से आप जाने नहीं दें तो रहेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आपके मन के विचलित ज्यादा रहने से आपकी परेशानी आज बढ़ सकती है। आप किसी भी ठोस निर्णय लेने में विलंब करेंगे जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, इसलिए आज किसी भी निर्णय लेने में देरी आप नहीं करें, अपने विवेक और बुद्धि का सहारा लें तो बेहतर रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न करें जिससे आपकी दाम्पत्य जीवन की स्थितियाँ मजबूत हो सके तथा आप किसी भी कार्य में बेहतर दिशा प्राप्त कर सकें। आज व्यवसाय कि यदि हम बात करें तो व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में अच्छी आमदनी होने की संभावना आज रहेगी। वहीं नौकरी पेशा को यह सलाह आज यह रहेगी कि उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहकर्मियों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा कार्य में आपको और भी विलंब हो सकता है। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। विशेष करके खान पान पर आप थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखेंगे तो आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, लक्ष्मी जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, लाल पुष्प अर्पण करें, मिठाई का भोग लगा करके उनके नाम मंत्रों का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। माता पिता के प्रति अच्छी भावनाएं आप रखें, सकारात्मक रवैया रखें, अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें क्योंकि माता पिता की सेवा से हर तरह की परेशानियां दूर होती है तथा उनका आशीर्वाद सदैव ही इससे आपके ऊपर बना रहेगा। उनके आशीर्वाद व सहयोग से हर तरह की समस्याओं से निपटने में आज आप कामयाब भी हो सकेंगे। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं और आज ऐसा भी हो सकता है कि अनावश्यक किसी तरह के विवाद से परेशानी आपकी बढ़ जाए, इसलिए किसी भी तरह के विवादों से दूर रहने का प्रयत्न अवश्य करें। घर परिवार में सबके साथ आपसी तालमेल बेहतर हो ऐसा ही प्रयत्न आज करते रहें तो उत्तम रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध खराब होने से आज आपको तनाव की स्थिति हो सकती है तथा आपके बाहर की यात्रा इत्यादि पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए मधुर संबंध बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे तो आपकी लाइफ उत्तम रहेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो प्रॉपर्टी से संबंधित धन का निवेश आज नहीं करें क्योंकि अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहेगी जिससे आपको आर्थिक नुकसान का सामना भी आज करना पड़ सकता है। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो इस समय पेट से संबंधित आपको कोई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आज खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण आप बनाए रखेंगे, जंक फ्रूट का आज उपयोग नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जला करके
लक्ष्मी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें, यथाशक्ति लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर, तो मकर राशि वालों को शुभ परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं कि स्वयं से निर्णय लिए गए कि किसी भी कार्य को करने में आप सफल रहेंगे। अपने आप पर विश्वास रखते हुए अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने का प्रयास अवश्य करें। सभी को महत्व अवश्य दें, जिससे हर तरह की समस्याएं आपकी दूर हो सके और अच्छा लाभ भी आज आपको मिल सके। तो आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि धन के आदान प्रदान पर अंकुश लगाने की कोशिश करें, व्यर्थ खर्च आप नहीं करें, अनावश्यक किसी से धन का आदान प्रदान भी आज नहीं करें। अपने आप पर विश्वास करते हुए किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न अपना जारी रखें, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो संबंधों को लेकर आज स्थितियां वैसे अनुकूल रहेगी। आपके अपने स्नेही जन के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर आज रहेंगे। आज दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे आपके संबंध गहरे रहेंगे। तो आज व्यवसाय की दृष्टि से इस प्रकार से दिन रहेगा। यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो आज साइड व्यवसाय का प्रयत्न आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में स्थितियां आज आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ बन रही हैं, जो आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त करवा सकती हैं। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आप खान पान में फल फूल का प्रयोग अधिक से अधिक करें तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प की माला अर्पण करें। ऋतु फल में अनार का भोग उनको लगावें। यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अनुकूल रहेगी। यदि आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कोर्स आदि कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी। कैरियर की दृष्टि से बेहतर लाभ आपको मिल पाएंगे। यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो पद पोजिशन प्राप्त होने की संभावनाएँ आज अधिक रहेगी। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। इस समय में आपकी मानसिक परेशानियाँ काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, इसलिए इस समय में आपके लिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करना आज वर्जित रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत आप नहीं करें तो आज बेहतर रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आज अपने जीवन साथी को महत्व अवश्य दें। उनकी किसी बात पर आज क्रोध आप नहीं करें। घर में तालमेल बना करके रखेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होने से आपके कामकाज के क्षेत्रों में आपको सहयोग प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने के मार्ग भी मिल सकते हैं। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा। जहां तक हो सके आज बाहर की चीजों का खाने में प्रयोग आप नहीं करें। आज अधिक खाना आपकी परेशानी का कारण भी हो सकता है, तो खान पान पर आप थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखेंगे तो आज आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली 6 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी को पीली मिठाई और ऋतु फल का भोग लगा करके उनके नाम मंत्रों का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। अर्थ लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिल पाएंगे, परंतु कामकाज को लेकर यात्रा आपको करना पड़ सकती है, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती है, परंतु इससे आपके आर्थिक लाभ प्राप्ति का उद्देश्य पूरा होगा। अपने कामकाज के क्षेत्रों में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। इस समय पारिवारिक समस्याएं बढ़ने की संभावना अधिक रहेगी। अनावश्यक किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने से घर का संतुलन बिगड़ सकता है। आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे से कहासुनी अधिक हो सकती है, जिससे घर परिवार में स्थितियाँ प्रतिकूल हो जाएगी।
तो घर में तालमेल बना करके रखेंगे तो आज आपके लिए उत्तम रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो समय के अनुसार अपने जीवन साथी के तौर पर देखने का प्रयत्न करें, जीवन साथी को सहयोग प्रदान करें, घर में तालमेल बना करके रखें तो आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। आज व्यवसाय की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा, यदि आप कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो इस समय में करने का प्रयत्न आप नहीं करें, जो कुछ कार्य आपके पास है उसे ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना होगा, विशेष करके बाहर के खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जला करके माता लक्ष्मी जी को ऋतुफल पान और सुपारी अर्पण करें, यथाशक्ति वहां बैठ करके उनके नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।